अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अजहर लगारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम निकले हैं हैदराबाद से सनवे लगून वाटर पार्क जाने के लिए। और सनवे लगून वाटर पार्क है हैदराबाद से तकरीबन 128 किलोमीटर और वहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन लगते हैं 2.5 घंटे। फिर रास्ते में हम रुके एक रैंडम से ढाबे पे क्योंकि हमें नाश्ता करना था और क्योंकि हम खाने के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकते। ढाबा अच्छा था और सबसे ख़ास बात थी ढाबे के पराठे और ऑमलेट्स बहुत मज़े के थे। छोले मुझे कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे उनके। और फिर हमने चाय पी और उमर भाई ने अपने सिगरेट्स लिए और उसके बाद हम दोबारा चलने लगे रास्ते पे, तो हमें रास्ते में विंड मिल्स के पर मिल गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने भी पहली दफ़ा देखे हैं कि ये विंड मिल्स के ऊपर लगे हुए बहुत छोटे से लगते हैं लेकिन असल में ये इतने बड़े होते हैं। तकरीबन 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँचे सनवे लगून वाटर पार्क और इसकी एंट्रेंस दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप आते हैं, यकीनन आपके पास कुछ सामान होंगे, तो लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं और बहुत खूबसूरत लॉकर रूम्स हैं, काफ़ी स्पेस भी होती है तो आप अपना सामान आराम से लॉकर में रख सकते हैं। आइए अब हम आपको टूर कराते हैं वाटर पार्क का। तकरीबन जितने भी सन में वाटर पार्क्स हैं मुझे सनवे लगून सबसे बेस्ट लगता है। इसके राइड्स बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, बहुत मज़े किए हैं। वाटर पार्क की खास बात इसकी स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड का अपना ही मजा है। ये खूबसूरत सा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। अगर आपको क्राउड्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कोशिश करके वीकडेज पे जाएं, और अगर आपको क्राउड से कोई इशू नहीं है तो वीकेंड्स पे जाया करें। अगर आप अभी तक सनवे लगून वाटर पार्क नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाएं, बहुत इन्जॉय करेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। एक बजे से लेकर 2 बजे तक नमाज और लंच की ब्रेक होती है और फास्ट फूड कॉर्नर अवेलेबल है वहाँ पे, कैंटीन, उससे आप अपना लंच ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग साफ बिरयानी पका के लाते हैं कराची से लेकिन हमने ऑर्डर करके बिरयानी खाई। बिरयानी की खुशी आप इनके चेहरे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहता हूँ इस पार्क के बारे में जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है, कि इसकी 100% जो कमाई है वो चैरिटी के लिए जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।